जिसमें लिखा हुआ था रूबी आसिफ खान, तू बहुत राम भक्त बनती है, तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां आखिरी चरण में है, हर कोई इसी इंतजार में है कि कब रामलला टाट से ठाट में आएंगे। इस अवसर के लिए हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी पूरे हर्षोल्लास से इस दिन की तैयारी में लगे हैं। लेकिन इसी बीच अलीगढ़ से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान नाम की एक महिला को धमकी भरा पत्र मिला है और इसमें लिखा है कि रूबी तू बहुत बड़ी राम भक्त बनती है ना, 72 घंटे में तुझे परिवार सहित जान से मार देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिट्ठी में ऐसा क्यों लिखा गया, ये तो मुसलमान है। दरअसल रूबी खान ने 1 जनवरी को अपने घर में राम दरबार की प्रतिमा स्थापित की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि वो 22 जनवरी तक रामलला की पूजा करती रहेंगी और इसी के बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी रूबी आसिफ खान गणेश प्रतिमा और दुर्गा प्रतिमा घर में स्थापित करने पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी है। उन्हें पहले भी धमकी मिल चुकी है, अब प्रभु राम की भक्ति करने पर रूबी को फिर से धमकी मिली है। फिलहाल रूबी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जब सुबह रूबी सोकर उठी तो बाहर वाले कमरे में एक कागज पड़ा था जिस पर धमकी भरी बातें लिखी थी। सीसीटीवी चेक किया तो उसमें एक आरोपी रात में उनके घर के दरवाजे के नीचे से कागज डालता हुआ दिखाई दिया। बकौल रूबी, पुलिस इसकी छानबीन करे और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे, क्योंकि पहले भी मेरे साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। आज सुबह हम लोग सोकर उठे तो बाहर पेपर के लिए गए, बाहर वाले कमरे में देखा धमकी भरा पोस्टर वहाँ पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था रूबी आसिफ खान, तू बहुत राम भक्त बनती है, तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे 72 घंटे में। आपने शिकायत की? जी बिल्कुल शिकायत की, सीओ साहब आए थे और थाने पे से चौकी पे से भी सभी लोग आए थे। उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने फुटेज निकाली, पर्चा डालते हुए पूरे सबूत के साथ वो दिखा और वो सब कार्रवाई की, उन्होंने तहरीर ली और कहने लगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इससे पहले इतना सब कुछ हुआ, मैंने पहले गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, उसमें मेरे पोस्टर लगा दिए गए थे जिंदा जला के मारने के। वहीं इस मामले में सीओ सिटी अभय पांडे ने बताया कि थाना रोरावर क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें रूबी आसिफ खान नाम की महिला को धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। उस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा सत्यता को जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं व सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है। थाना रोरावर क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया जिस संबंध में मुझ क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला रूबी आसिफ खान जिन्हें एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है जिस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा प्रकरण की सत्यता को जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं व सर्विलांस की मदद ली जा रही है, अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई इसमें शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर उद्घाटन से पहले इस मुस्लिम महिला को जान से मारने की धमकी मिल रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन पुलिस प्रशासन उस आरोपी को बख्शेंगे नहीं, तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।